हुरैन को चाय बहुत ज्यादा पसंद है। हुरैन चाय लेना, चाय चाय चाय, थोड़ा सा उसमें लेनी है, उसमें उसमें मैं डाल के देती हूँ ना, उसमें डाल मैं देती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, उसमें भी चाय डाल दी है, डालो इसमें डाल दी, चलो नहीं नहीं इसमें ले लो, उसमें लेनी है, नहीं नहीं इसमें ले लो, उसमें नहीं इसमें ले लो ना, थोड़ी सी इसमें डाल दो, अभी ले लो, ले लो ले लो ले लो, ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, उसमें चाय ले लो, ये लो अभी चाय पियो, चाय पियो ना, इसमें डाल दो, हुरैन को ये पसंद आया है तो हुरैन ने इसमें पी है, अभी फिर उसमें डाल के पीनी है, ये बहुत ही शैती है, इसमें डाल के दो अभी, हुरैन ने चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, इसमें है चाय, चाय इसमें है, ये ले लो, इसमें डाल के दो, आरुष आरुष ने चाय पी ली है, बिस्मिल्लाह, बस खत्म हो गए, अभी सब में डाल ली, अभी इसमें पी लो, अरे चाय कैसी है मम्मा, चाय कैसी है वो बता दो, चाय कैसी है, चाय कैसी है, चाय पी ली रहने, मम्मा के पास जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो आज हम सर्दी के मौसम में जो कि बारिश भी हो रही है हमारे दो दिन से, तो आज हम इस बारिश के मौसम में सबके लिए कुछ खास बनाएंगे जो कि नया भी होगा और बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, चाय के साथ कुछ अलग और कुछ नया हो जाए, तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाएंगे पिन व्हील्स, और पिन व्हील्स की रेसिपी बनाएंगे और साथ में हम चाय बनाएंगे, तो चलिए ये आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है, मैदा मैंने आधा किलो लिया है, हाफ के जी मैंने मैदा लिया है, और इसमें मैं घी डाल दूंगी, इसको डाल दूंगी, इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए मैं इसको गूंद लूंगी, नीम गर्म मैंने पानी लिया है, और अगर इसमें जो ऑयल है अगर कम हो तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, और अभी इसमें जो नमक है वो हम 1 टीस्पून डालेंगे, और पानी मैंने नीम गर्म किया है, इसको थोड़ा थोड़ा लेते हुए इसको गूंद लेंगे हम, मैदे को मैंने गूंद लिया है, और ये आप देख लें ज्यादा मैंने सख्त और ना ही मैंने नरम, मतलब थोड़ा सा सख्त सख्त ही इसको गूंदा है, और इसको गीला कपड़ा जो है नीम गर्म पानी में डुबो कर उससे ढक कर रख देंगे 20 मिनट के लिए, अगर आप ऐसे रखते हैं तो जो गूंदा है हमने मैदा ये जल्दी ठीक हो जाता है, मतलब रोटी बेलने के जल्दी काबिल हो जाता है, टूटता नहीं है, सही रहता है, मतलब जल्दी बेलने के लिए ठीक हो जाता है, तो इसको अभी हम 20 मिनट के लिए रख देंगे, और तब तक के लिए जो हमने मसाला वगैरह तैयार करना है आलूओं से वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आलू लिए हैं, 1 किलो आलू है, आप कम भी ले सकते हैं तो उस हिसाब से ये ज़्यादा ही होंगे, मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा लेकिन ठीक होगा, मसाला हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है। तो सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे, और बाद में मैं आपको बताती हूँ हमने इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं। आलू बॉईल किए हुए थे, इनको मैश कर लिया है, और अभी इसमें जो नमक मिर्च और मसाले डाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ वो कितने कितने डाले हैं। नमक इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा, लाल मिर्च भी इसमें 1.5 टीस्पून जाएगी, और
और जो धनिया जीरा और काली मिर्च का पाउडर है ये मिक्स पिसा हुआ है और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी। और इसमें जो चाट मसाला है वो भी मैं 1 टेबल स्पून ही इसमें डालूंगी। और सब्ज़ धनिया इसमें हसबैंड सिमरन डालेंगे और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया लिया है जो कि बारीक कटा हुआ है इसको डाल देंगे। और इसमें जो भी अभी मसाले डाले हैं इनको मिक्स कर लेंगे। जो मसाला है वो मिक्स कर लिया है और इसको आप चेक भी कर सकते हैं अगर नमक मिर्च अगर कम या ज़्यादा हो, अगर कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो जो मैंने डाला है बिल्कुल ठीक डाला है, मतलब बिल्कुल ठीक है। और अभी इसको साइड पे रख देंगे, ये मसाला भी तैयार हो गया है। और इसको और जो हमने पिन व्हील्स बनाने हैं उनको डीप करने के लिए जो हमने लेना है, हमने बेसन वो लिया है, मैदा लिया है, मैदे के 3 टेबल स्पून लिए हैं, 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी में। इसको हमने पतला सा मिक्स करना है, जितना हमने इसमें मैदा डाला है उतना ही तकरीबन पानी डलेगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आग हमने चला ली है और अभी हम पिन व्हील्स बनाने के साथ साथ हम चाय भी बना लेंगे क्योंकि सर्दी है और इस मौसम में अगर चाय के साथ और कुछ अलग नया हो जाए तो मज़ा आ जाता है। तो पहले हम देखिए रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। और अभी इसमें मैं दूध डालूंगी, दूध मैंने 2 किलो लिया है इसको डालूंगी। और अभी मैं इसमें पत्ती डाल दूंगी, जितनी आप पसंद करते हो डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप डाल लें। इलायची मैं इसमें 5 अदद डालूंगी, 4 से 5 अदद इलायची डाल दूंगी। चीनी भी हम हंसबे जायका डालेंगे। और अभी हम इसको पका लेंगे और इतनी देर में हम जो है हमने मैदा जो बेला गूंदा हुआ था मैदा उसको बेल लेंगे। और बाद में मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि हमने क्या करना है। और अभी हमने जो मैदा रखा हुआ था गूंद के और इसका भी हम बेला ले लेंगे। इसको हम रोटी के जैसे बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है और जो पेड़ा हमने लिया था नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं उतना ही मैंने लिया था। और अभी हम इसमें मसाला लगा लेंगे जो हमने तैयार किया था। इसको हम बराबर बराबर ही पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। जो आलू का हमने मिक्सर तैयार किया था उसको मैंने रोटी के ऊपर फैला लिया है। और अभी हम इसको किस शेप में हम राउंड अभी हम इसको इस तरीके से
राउंड शेप में इसको कर लेंगे ऐसे। और मैंने इसको राउंड शेप में ऐसे कर लिया है, और इसको हमने कैसे काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और बाद में जो इसकी शेप है वो बना लेंगे राउंड शेप। इसको पिन व्हील वन बाइट कहा जाता है, और इसको इसी तरीके से हम काट लेंगे। और इसको आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक और अलग से रेसिपी लेके आऊँ, जो कि हमारे बच्चे भी शौक से खाएं और आप भी ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही हम इसको काट लेंगे। और अभी जो पिन व्हील्स हैं हमने बना लिए हैं, ऐसे बनाने हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और अभी इनको हम फ्राई कर लेंगे। चाय भी बन गई है, और जो घी था वो भी नॉर्मल हमने गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि ये जो घी है ख़राब हो जाता है डालने से, ज़्यादा गर्म होता है। इसमें डीप करेंगे अभी। डीप करके आराम आराम से इसमें डाल देंगे। आज बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, हल्की हल्की सी। अगर आप इसमें चाहें तो आप नमक भी डाल सकते हैं, जायके के मुताबिक। मैंने इसमें नहीं डाला। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे, रेड रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसकी साइड पर देंगे। मैंने छुरी की मदद से इनकी साइड पलटी है। उन्हें भूख लगी है, खानी है, खानी है आपने देखा ना, खानी है, भूख लगी ना रेनबो। देती हूँ अभी देती हूँ। इसको हम 10 से 12 मिनट में फ्राई करेंगे, ताकि ये क्रिस्पी भी हो और अच्छे से बन जाए। और हल्की हल्की आंच पर हम इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैदे को गूंदना है, गूंद के हमें मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करके हमें रोटी बेल के मसाला लगा के ऐसे राउंड शेप में इसको बना लेना है। और बच्चे इतना ज़्यादा इसको पसंद करते हैं कि ना ही पूछे। इसको ऐसे ही हम हल्की हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं, और मसाला भी इसमें से नहीं निकला। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको बनाया था। ये आप देख रहे हैं, ये बनाए हुए हैं पिन व्हील्स। इस तरीके से हम इसकी साइड पलट लेंगे, और इसको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये हो जाएंगे। आप अगर इसमें आलू ऐड करना चाहें, मैंने आलू का मसाला ऐड किया है। अगर आप इसमें कीमा
ऐड करना चाहें वो भी डाल सकते हैं, ऐसे ही उसको और ज़्यादा टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए जैसे भी आप पसंद करते हो। लंच बॉक्स में आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसको ऐसे ही हम हल्का हल्का सा कर लेंगे और थोड़ा सा ब्राउन, और बड़ी प्यारी सी हमारी डिश बन जाएगी, चाय के साथ मज़ा ही आ जाएगा। अभी ये बन गए हैं और अभी इनको मैं निकाल लूँगी, और ये देखें माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त बने हैं। मैं इसमें और डाल दूंगी। हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो गई है और बच्चे आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। चलो बिस्मिल्लाह पक्के कर लो शुरू। इधर 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चाय नहीं है? मैं देती हूँ। चलो हुरैन को चाय बहुत ज्यादा पसंद है। हुरैन चाय लेना, चाय चाय चाय, थोड़ा सा उसमें लेनी है, उसमें मैं डाल के देती हूँ ना, उसमें डाल मैं देती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, उसमें भी चाय डाल दी, डाल दो इसमें, डाल दी। चलो चाय नहीं, नहीं इसमें ले लो, उसमें लेनी है, नहीं नहीं इसमें ले लो, उसमें नहीं इसमें ले लो ना, थोड़ी सी इसमें डाल दो, अभी ले लो, ले लो ले लो ले लो, ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, उसमें चाय ले लो, ये अभी चाय पियो, चाय पियो ना, इसमें डाल दो, हुरैन को ये पसंद आया है तो हुरैन ने इसमें पी है, अभी फिर उसमें डाल के पीनी है। ये बहुत ही शैती है, इसमें डाल के दो अभी। हुरैन ने चीजें खानी है, चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, इसमें है चाय, चाय इसमें है, ये ले लो, इसमें डाल के दो, आरुष आरुष ने चाय पी ली है, बिस्मिल्लाह।
बस खत्म हो गए अभी, सब में डाल दी, अभी इसमें पी लो। अरे चाय कैसी है मम्मा? चाय कैसी है वो बता दो, चाय कैसी है? चाय कैसी है रहने? मम्मा के पास जाना है। रेन पापा किधर है? अमार किधर है? अमार किधर है? उमर खा लिया? कैसा बने? बहुत ही मजेदार बना। अच्छा उनको बताओ ना, सबको बताओ ना कैसा बने? बहुत ही मजेदार बना। अच्छा मजा आ गया आपको? अच्छा उमर कैसा बने? बहुत ही जबरदस्त। मशाला से बहुत ही जबरदस्त बना। थैंक यू। उमर चाय पी ली सबने? पीनी है। चलो पियो चाय। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार बने हैं, मैं आपको तोड़ने भी दिखाती हूँ, और बहुत ही अच्छे बने हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही जबरदस्त बने हैं। ये लो बस की उम्र ने बस। तो आप बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, चाय और साथ हमने पीनी बाइट्स, वन बाइट्स बनाई इसकी, मतलब बाइट होती है ना, एक बाइट में खाओ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आप लंच बॉक्स में भी अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और हमारी प्यारी सी गुड़िया हुरैन फातमा कैसी लगी आपको? आरुष हमारी आरुष बुलाते हैं, आरुष नाम है वैसे, हुरैन फातमा बुलाते हैं, ज़्यादातर आरुष नाम रखा हुआ है। तो हमारी आरुष आपको कैसी लगी? माशाल्लाह से बहुत शरारतें करती है और बहुत काम भी करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, आपको कभी इसकी बातें सुनाएंगे तो कैमरे के सामने नहीं बातें करती, वैसे माशाल्लाह से बहुत बातें करती है अल्हम्दुलिल्लाह से, हुरैन की बातें भी आपको सुनाएंगे। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की हमारी भाई मेरे लगे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ, आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।